वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सुबह उठी ही। मम्मा के पापा चले गए थे जॉब पे और आज ना मम्मा के पापा संडे वाले दिन भी चले गए हैं जॉब पे, तो मुझे जाना पड़ रहा है मम्मा के घर क्योंकि मम्मा ने बुलाया है मुझे और हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो बाय बाय तो कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय। और मम्मा को भी मैंने रेडी कर दिया, मैं भी रेडी हूँ। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और देखो मम्मा बहुत शरारती हो गई हैं, सुनती नहीं है किसी की भी। तो आप लोगों को वहाँ जाके दिखाते हैं। तो ये देखें मम्मा ने यहाँ पे कबाब का मसाला भी तैयार किया हुआ है क्योंकि उमेर चुकंदर गोश्त शौक से नहीं खाते हैं। तो मम्मा ने कहा कि चलो उमेर के लिए वो बना देती हूँ कबाब। तो मम्मा और मैं कबाब बना रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ कबाब हमने बना लिए हैं और कुछ रह गए हैं तो वो भी हम तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कबाब वगैरह तल लेंगे और फिर और रोटियां वगैरह बना लेंगे। मम्मा ने बस हंडिया चढ़ा दी है, चुकंदर गोश्त बना रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चुकंदर गोश्त। तो मैंने अपनी फरमाइश की मम्मा के चुकंदर गोश्त बना दो, तो फिर मम्मा ने चुकंदर गोश्त चढ़ाया हुआ है और मैं यहाँ पे कबाब बना रही हूँ। गाइस ना मुनीजा की मम्मा ने मुनीजा को मारा है और उमेमा आई है इनको चुप करवाने। उमेमा इनके आंसू साफ कर रही थी अभी। उमेमा आंसू साफ करो, आप ही के, आप ही को चुप करवाओ। मुन्नी को मुन्नी को चुप करवा जल्दी, आप ही को चुप करवाओ। शाबाश मेरी बेटी, 20 मिनट। हाँ हाँ, आप ही को चुप करवाओ, भाव आ जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आप ही चुप हो जाओ। आंसू साफ कर दो, आंसू साफ कर दो, आंसू। ओए अल्लाह, ये देखो, ये देखो, माशाल्लाह मेरी बेटी। ओह माय गॉड। तो फाइनली गाइस देखें हमारी रोटी वगैरह हो गई हैं तैयार, ये चटनी बना ली है, यहाँ रायता है और ये है कबाब और ये है चुकंदर। तो हम मेरे को तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं चुकंदर और ये खा रहे हैं और हम लोग भी अभी खा ही रहे हैं इनके साथ। तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के हैं चुकंदर। और मैंने कबाब भी खाए, कबाब भी बहुत लजीज लाजवाब बने हुए हैं, है नहीं? तो गाइस मैं मम्मा के घर से आ गई थी और बस खाना खाने के बाद हमने मम्मा ने इतने हम लोग खाना खाने लगे, मम्मा ने खाना खाते ही चाय भी चढ़ा दी थी तो हमने फटाफट से चाय भी पी ली थी और हम लोग जल्दी जल्दी से करके अपने घर आ गए थे। और अब बस हम लोग बैठे हुए हैं और मम्मा आते ही अपने दादा दादी के पास चली गई हैं उनके साथ खेलने, क्योंकि हम दोपहर से गए हुए थे तो वो उनके दादा दादी ने उनको बुला लिया है अपने कमरे में, तो वो वहाँ चली गई हैं। और मम्मा के बाबा होने गए हैं फ्रेश और हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं आके, मैं आप लोगों से गपशप कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।